रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय हिंद सर। ये 4 साल हो गए सर, पुलवामा में जो आतंकियों की नापाक साजिश थी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उसकी आज बरसी है चौथी। और उसके बाद जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक जो की गई भारत की तरफ से, वो वाकई में हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन था। जी तो आप किस तरह से देखते हैं इसे, जिसके बाद पाकिस्तान की जो नापाक हरकत के बाद भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था एयर स्ट्राइक को, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आप इस वीरता को किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सीआरपीएफ के 40 जवानों ने जो है शहादत दी। एक बहुत बड़ी बात। आज देश जो है देश भर में शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और लेकिन जैसे वैलेंटाइन है, तो उसको अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर देश के युवाओं से अपील करते कि भाई नहीं, ये पुलवामा डे मनाया जाए तो एक बड़ी बात होती। और हम अर्धसैनिक है, जवानों की बात करते हैं। अभी 2 जनवरी 2011 को एक बड़ा फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने दिया कि इन अर्धसैनिक बलों को भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन इनको करार दिया गया। अब जो है जवानों को पेंशन के लिए 2 महीने का टाइम दिया, जो कि होली पे है। हम तो उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाखों निगाहें आपको देख रही है और जवानों का मोराल अप करने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, दुश्मन से नापाक इरादों को करने के लिए, इसलिए जरूरी है कि जो है पुरानी पेंशन बहाली का बगंजा दिया जाए। ये मेरे दिल की बात, क्योंकि मैं एक अर्धसैनिक हूँ, सुविधाओं से मारू।